إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

वन थर्टी थ्री उसकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है आज इनशा हम सूर अतौबा शुरू करेंगे इसके हवाले से कुछ तमहीदी गुफ्तू ज़रूरी है उसके बाद इन आयत का आगाज करेंगे सूर अतौबा कुरान हकीम में सूरत नंबर नाइन है और ये मदनी सूरत है इसका जोड़ा सूरतुल अनफाल के साथ बनता है जो आठ नंबर सूरत हम मुकम्मल कर चुके हैं। और ये दो सूरतें अल्लाह ताला सूरतें्ला तट्ठी रख दी हैं मुसफ़ के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसलम की जो मुबारक दावत है जिहाद और कताल के हवाले से उसका आगाज़ गज़वा बदर से हुआ और आप सल्ला व्म की मुबारक ज़िंदगी में जो आखिरी गजवा है वो ग़ब तबूक है गज़ब बदर के हवाले से डिस्कन सूरत में गुजरी गज़ब तबूक के हवाले से सूर तौबा में इन शफसली डिस्कशन आएगी सूर तोबा का आगाज़ बग़ैर बसमिल्ला के होता है इसके हवाले से मुख्तफ़ चीज़ें आवाम के अंदर मशहूर हैं लेकिन जो बात सही सनत से साबित है वो सैदा का कौल है अलमुस्तर अली में सही सनत के साथ कि मौलानी से किसी ने पूछा कि सूरह अतौबा से पहले बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है तो उन्होंने फ़रमाया कि सूरह अतौबा तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नंगी तलवार है मुशर्किन अरब के ऊपर अजाब की सूरत में ये की सूरह नाजिल हुई और बिस्मिल्लाह तो अल्लाह ताला की रहमत का बयान है तो बिसमिल्ल कैसे इस सूरत के स्टार्ट में हो सकती थी ये बात बिल्कुल ठीक है कुरान हकीम की तमाम सूरतें रहमान रहीम से स्टार्ट होती हैं इसमें जरूर इख्तलाफ है कि बिस्मिल्लाह कुरान की सूरतों का हिस्सा है या नहीं लेकिन इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह है सवाए सूर के अलबत् कुरान में एक सौ चौदह सूरतें हैं उस उसबार से तो बसमिल्ला एक सौ तेरह मरतबा होना चाहिए अगर सूर तोबा से पहले बिसमिल्ला नहीं है तो लेकिन पुरानी हकीम में बसमिल्लामान रहीम यह भी एक सौ चौदह मरतबा है एक सौ तेरह मरतबा सूरतों के आगाज में और एक सूरत ऐसी है जिसके अंदर भी आयत के तौर पर बसमिल्ला आई है सूरत नमल नू मिन सुलेमान व इन नू बसम्लामान रहीम जो मलिक बिल्किस के नाम ख़त लिखा था हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अला नबीना वाला उसका आगाज बिस्मिल्लाह से हुआ था तो उस एतबार से एक सौ चौदह का डिजिट पूरा हो जाता है बिस्मिल्लाह का कुरान हकीम में इसके हवाले से और कई चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो मैं कुरान क्लासेस के आगाज में जो पहले छः लेक्चर्स थे फोर्टी पॉइंट्स अबाउट कुरान हकीम उसमें मैं इस टॉपिक के ऊपर भी तफसीली गुफ्तू कर चुका हूँ। सूर्य तोबा में मरकजी तौर पर दो टॉपिक्स एड्रेस हुए हैं उनमें से भी जो बड़ा पोर्शन है वो गजवा तबूक के हवाले से एक कमेंट्री है जाते हुए भी और वापसी पर भी नबी इस्लाम और उनके सहाब के साथ जो हालात पेश आए उनका ज़िक्र इसके अंदर मौजूद है और उसमें जहाँ जहाँ मुसलमानों से कोई कोताही हुई तो अल्लाह ताली की तरफ से उसमें सख्त आयात भी हैं ये कुरान हकीम की बहुत यूनिक सूरत है नंगी तलवार है काफिरों के दिल में जो सबसे ज़्यादा खटकती सूरत है वो सूर्य तोबा ही है क्योंकि ये सरापा जहाद और कताल के हवाले से बहुत सख्त आयात हैं इसके अंदर और दूसरा टॉपिक इसके अंदर मुश्रकिन अरब के साथ जो सुलह सुलहुदेबिया का माह हुआ था जो उनकी तरफ से बाईचांस टूट गया उनसे मिस हैंडलिंग हो गई एक कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ उनके एक हमायती कबीले ने एक इकदाम किया जिसकी वजह से वो माह टूट गया उसके हवाले से यहां पर डिस्कशन आएगी स्टार्ट ही में अगरचे अबू सुफियान ने बड़ी कोशिश की और वह बाकायदा उस वक्त इस्लाम तो उन्होंने कबूल नहीं किया था मक्के आए इस्लाम की बड़ी मिन्नतें की कि आप दोबारा से मुआदा रिन्यू कर दें असल में माह होना ही मुसलमानों की फतः थी क्योंकि सलाह देबिया से पहले काफिर तो मुसलमानों को किसी खाते में नहीं मानते थे जो मुशरकिन अरब थे आए दिन मुसलमानों के ऊपर वो जंग मुसलत करते थे पहले बदर में उसके बाद वहद में फिर खंदक में तो उन्होंने एक आखिरी कोशिश की सारे कबाइल जमा किए उसे गज़ब अहजाब भी कहा जाता है यानी इतने कबीले उसमें जमा हुए उसकी लाइव कमेंट्री जो है वो सूरत अज़ाब में आएगी और फ़र्स्ट टाइम जो उन्होंने घुटने टेके वो वो मौका था जब नबी नबीसलाम हिजरी में सुलह उदेबिया के लिए तशीफ ले गए सुलह सुलहुदेबिया तो बाय चांस हो गई असल में तो उम्रा करने के लिए जा रहे थे उदैबिया के मुकाम पर उन्होंने मुसलमानों को रोक लिया कि हम आपको मक्का नहीं आने देंगे अब ज़ाहिर है इसका लाजमी नतीजा जंग की शक्ल में निकल सकता था लेकिन नबी इस्लाम ने कहा कि हम चूंकि अहराम की हालत में हैं तो हम इस तरफ नहीं जाना चाहते हमें उम्रा करने दो उन्होंने कहा कि हमारी तो बेज़ती है कि हम आपको उम्र के लिए आने दें हम इतनी बड़ी पावर हैं और अभी तो आप भी हमारी इज्जत का थोड़ा ख्याल करें इस साल आप वापस चले जाएं ताकि हमारी भी इज़्ज़त रह जाए जिस तरह यहाँ भी आपको पता है पॉलिटिक्स में फेस सेविंग जिसे कहा जाता है तो फेस सेविंग उनको दी नबीलाम ने अगरचे बुखारी में आता है कि हज़रत उम्र फ़ारूक रत अल्लाह तब्बा साहब इस पर राज़ी नहीं थे लेकिन नबी इलाम को अल्लाह ने वही से बता दिया कि इसी शर्मे से बहुत बड़ा खैर निकलने वाला है और फिर अल्लाह ताला ने उस शर्मे से ऐसा खैर निकाला सदना अबू बसीर रज़ी अल्लाह तलाम के ज़रिए वो तो मेरा उसके ऊपर एक पूरा क्लिप है वो जब इन श्ला सूर्य अज़ाब आएगी तो उसमें ही मज़ा आएगा उसको सुनने का पिछली कुरान क्लासिस में मैं उसे रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और फिर अल्लाह तला ने सूर अलफत नाजिल फरमाई इन्ना फ़तः न मुबीना बेशक हमने आपको खुली फ़तः अता फरमा दी है यानी बज़ाहिर जो एक दबकर सुलह लग रही थी जिसके अंदर मुसलमानों ने ऐसी शरायत भी मान ली जो मुसलमानों की फेवर में बज़ाहिर नहीं थी और मुश्रकिन अरब बगले बजा रहे थे कि हमने मुसलमानों को जो है वो जेर कर लिया है लेकिन उसी के अंदर अल्लाह तला ने खैर छुपाई हुई थी अल्लाह तला तो मुर्दा में से ज़िंदा को निकाल लेता है वो वह अल्लाह की खुफिया तदबीर तो सबसे बढ़ करें यानी ये कितनी अजीब शर्त थी कि अगर मुशरिकन अरब में से कोई मुसलमान होकर मदीना आएगा तो उसे वापस कर दिया जाएगा और अगर मुसलमानों में से कोई मक्का आ गया तो वापस नहीं किया जाएगा नबी इस्लाम ने इसको भी तस्लीम किया बार सुल्हुदेबिया एक ऐसा मौका था जिसने ये चीज इस्टैब्लिश कर ली कि पहली दफा मुशरकिन अरब ने मुसलमानों को पावर के तौर पर तस्लीम कर लिया अभी तक तो वो मुसलमानों को मारते थे आके लड़ाई उन पर मुसलत करते थे ये पहला मौका था कि वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए उल्टा एक पीस ट्रीटी साइन किया और दस साल के लिए था वो नबील इस्लाम की तो मुबारक जिंदगी अभी दस साल बाकी है ही नहीं थी ये छह हिजरी में हुआ वो मुआदा तो जाके सोलह हिजरी में खत्म होना था नबील इस्लाम तो ग्यारह हिजरी में वफात पा गए तो अल्लाह ताला की गैबी मदद आई कि उनसे मिस हैंडलिंग होगी और वो वहदा टूट गया वरना ना तो फतेह मक्का होनी थी ना गबा हुनैन होना था ना और यहाँ तो मेरे भाई तेरह इजरी के अंदर कारमू को हो रही थी सोलह इजरी में तो अभी अरब की सरजमीन से इस्लाम ने बाहर नहीं निकलना था लेकिन अल्लाह की तो गैबी तयल अरसलासूल वही अल्लाह है जिसने कुरान अलुदा के साथ और दीन हक के साथ अपने नबी को मबूस किया ताकि इसे तमाम अधियान पर गालिब कर दे ख्वाब मुशरक इसका बुरा मान जाए तो वो सुलह देबिया वाला माह टूट गया उनसे बड़ी कोशिश की अब तो जहरा हजूर की मर्जी थी कि वो करते या ना करते उस वक्त भी नबी सलाम ने हिकमत की वजह से किया वरना मुसलमान उस वक्त भी बड़े पावरफुल थे अब तो कोई सूरत ही नहीं थी अल्लाह तला ने वही के जरिए हज़ूर को बता दिया कि कोई रिन्यू नहीं होगा महिला अब माह टूटा है इसका अल्टीमेट नतीजा यह है कि अब मुसलमान मक्के के ऊपर चढ़ाई करेंगे यानी पहले तो वो आते थे यहाँ लड़ने के लिए बदर में आए ओहद में आए खंदक में तो आखिरी दर्जे में उन्होंने सबको मिला लिया और बुखारी में मौजूद है नबी इस्लाम ने गजब खंदक के मौका पर ही ये पेश गोई कर दी थी अल्लाह की वही की ताइज से कि मुसलमानों अब मुशरकिनब मदीने पर दोबारा नहीं आएंगे ये आखिरी मौका है पांच हिजरी में जो हो गया अब अल्लाह तला तुम्हें इनके ऊपर मुसलत करेगा और वही हुआ कि छह हिजरी के अंदर सुलह सुलहुदेविया हुई नबील इस्लाम वापस आ गए सात हिजरी में गजब खैबर में अल्लाह तला ने मुसलमानों को फतह दी नबीम उम्रे के लिए भी तशीफ ले गए तीन दिन के लिए उन्होंने पूरा मक्का खाली करके वो पहाड़ों में चले गए और मुसलमान आज़ादाना वो करते रहे ताकि एक दूसरे का आमना सामना भी ना हो अब जितने मुसलमान थे वो वहाँ तीन दिनों में अपने अपने रिश्तेदारों को तलाश कर रहे थे कि चलो कोई आखिरी कोशिश करके देख लें इनको कि यार ये देख रहे हो कि इतनी बड़ी फतह है ये शख्स जो है वो आम इंसान नहीं है इसके साथ अल्लाह की तइद है इस शख्स को तुमने मजबूर किया रात के अंधेरे में हिजरत करके मदीना गया और आज देखो कि अल्लाह ताला ने कैसी धाक बिठा दी है और कुछ के लिए यानी इस्लाम ने पैगाम भी छोड़े क्योंकि हज़ूर को पता था कि इनके अंदर कोई ऐसी रमक मौजूद है कि कोई बात ट्रिगर कर जाए अगर कोई किसी शर्मिंदगी की वजह से खामोश है या थोड़ा बहुत उसको है कि शायद मुझे मुआफ़ी मिले ना मिले ठीक है तो उस तरह के इस्लाम ने उनको सिग्नल देना शुरू कर दिए ताकि किसी बहाने से कोई कबूल कर ले ऐसा मामला बहरल वो फिर उनमें से देखे लोग निकले हैं खालिद में वलीद के लिए नबी इस्लाम ने कुछ तारीफी कलमात कहे और बाद में वो सोचने पर मजबूर हुए इस्लाम भी कबूल कर लिया और लोगों के बारे में भी बहरल अब अहद टूट चुका था और इसका अल्टीमेट नतीजा ये था कि मुसलमान मक्के पर चढ़ाई करेंगे क्यों क्योंकि मुशरकिन अरब ने मुसलमानों को मक्के से निकलने पर मजबूर किया था उनकी जदादें लूट ली थी उनको तकलीफ दी थी नाहक जुल्म किया था कई मुसलमानों को शहीद किया था हजरत मार्बन यासिर के वदेन हजरत यासिर और सुमैया रदीसम तो अब मुसलमानों की बारी थी और इसमें आ जाएगा कि अब तुम्हारी बारी है इनसे बदला लो और दूसरा अल्लाह तला ने फरमाया कि अब किसी से कोई मुआदा नहीं करना इस्लाम को पावर मिल चुकी है और फिर अल्लाह तला ने उसकी रीजन भी बयान की कि अल्लाह और उसके रसूल का मुआदा बुत परस्तों के साथ कैसे हो सकता है किस तरह अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह के दुश्मन किस तरह और मुशरकिन को एग्जिस्ट कर सकते हैं ये तो हो ही नहीं सकता ये भी आयात आ जाएंगी अब किसी के साथ कोई मुआदा और नहीं करना अलबत् जिनके साथ ऑलरेडी मुआदा है वो मुआदा अपनी मुद्दत तक पूरा करना है और उसे रिन्यू भी नहीं करना और इससे बढ़कर ये कि नौ हिजरी के अंदर इस्लाम ने अबू बकर को अमीर हज बना के भेजा आठ हिजरी में तो फतेह मक्का हो गई नौ हिजरी में आप खुद हज के लिए तशरीफ नहीं ले गए बल्कि हजरत अबू बकर को भेजा और वो अमीर हज बन के गए और पीछे से सूर तोबा की आयात नाजिल हो गई वो स्टार्टिंग में आ जाएंगी वो चूंकि बहुत क्रिटिकल आयात थी तरतीब के एतबार से तो वह बाद में आती हैं जहरा वो सुलह देबिया का मॉयदा टूटना फिर फतेह मक्का होना उसके बाद की वो आयात हैं लेकिन चूंकि वो क्रिटिकल आयात हैं और कुरान का उसलूब यह है किलो टॉपिक के साथ हिस्सा अल्लाह तुमस करता है जिस तरह सूरत में मालिक ननीमत की डिटेल्स तो बाद में आई है लेकिन स्टार्ट किससे हुआ यस अलूना का नालिकनीमत के बारे में पूछते हैं आफरमाद हो मालिक गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए और उसके बाद टॉपिक दूसरे हो के फिर बाद में वापस टॉपिक आता है यहां पर भी यही है वो जो आयात थी ना शुरू की वो यहां पर मौजूद है जो 9 हिजरी के हज के मौका पर इस्लाम पे मदीना शरीब में नाजिल हुई अब जहर लोग तो जा चुके हुए थे नबी इस्लाम ने अली को और बाद साहब को सही बुखारी में आता है भेजा आप मेरी तरफ से मिना के मैदान में जो कुर्बानी का दिन होगा ना हज अकबर का दिन हज अकबर का यहां पे जिक्र आ जाएगा एक तो वो हजय अकबर है जो पाकिस्तान में है कि जुमे वाले दिन हजहाज है इस्लाम में हजे अकबर जुमे वाले दिन के हज को नहीं कहते बल्कि हाजियों ने तो जुमा पढ़ना ही नहीं होता हाजियों ने तो जोर असर तो की नमाज जमा करनी होती है ख्वा जुमे के दिन आए ख्वा किसी और दिन हजे अकबर सही बुखारी और मुस्लिम में आता है कि हजे अकबर यौम नहर ईद के दिन को दस जुल्हिजा जिस दिन कुर्बानी की जाती है यानी हज से अगले दिन नौ जुल्हिजा तो मैदानी रफात में होता है ना दस मिना के अंदर होता है जिस दिन आपने कुर्बानी करनी है और उसके बाद सर के बाल मुंडवाने हैं और फिर एहराम खोल देना है फिर सादा कपड़ों में आपने तवाफे काबा करना है हजे अकबर कहते हैं यौम नहर दस जुल्हिजा के दिन को और यह इसलिए उसको रखा गया कि वो बुखारी में ही आता है कि लोगों में हज असगर मशहूर हो गया था उमरा यानी छोटा हज किसी दर्जे में छोटा हज तो होता ही है ना उमरा भी बल्कि सही मुस्लिम में हदीस है कि जिसने रमज़ान में उमरा किया गोया उसने हज किया और रावी कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि शायद हजूर ने साथ यह भी बोला था कि गोया उसने मेरे साथ हज किया जिसने रमजान में उम्र किया वो मुस्लिम का रावी तो भूल गया है लेकिन यही हदीस सुन निबर माजा में आती है उस रवायत के अंदर जो रावी है वो वसूख से कहता है कि अल्लाह के नबीलाम ने फरमाया था कि जिसने रमज़ान में उमरा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया लिहाजा वो जो मुस्लिम में उसको वाहम लाक हुआ था रावी को वो हदीस बिल्कुल ठीक है तो वह हज असहर हज अकबर वो है यानी आम हज और उसमें भी खजूसा कुर्बानी का दिन और हज असगर यानी छोटा हज उमरा पब्लिक के अंदर देखे क्या मशहूर हुआ है और लोग यहां खुश हो रहे हैं जनाब इस दफा तो वा वाज आया है आज भाई जी हो नहीं होया ठीक है और जिस जुम्मे की बुनियाद पर क्लेम कर रहे हैं जुम्मे की तो नमाज होती ही नहीं वहां पर जोर असर की नमाज जमा की जाती है क्योंकि नबीलाम ने भी जब हज किया था बुखारी मुस्लिम में आता है कि नोज लिहिजा योम अरफा जुम्मे के दिन आया था और आपने मैदानरफात में जोर असर की नमाज पढ़ी थी इकट्ठी और फिर ग्रूब आफ्ताब का इंतजार किया एंशोर किया जब रात का अंधेरा छाना शुरू हुआ तो आप वहां से निकल आए और मुज़दलफा के अंदर आके मगरब और इशा की नमाज को जमा किया यह हज की खसूसियत है लेकिन यहां देखें पब्लिक के अंदर क्या कुछ मशहूर है सयदन अली को वो आयात दे के भेजा जो शुरू में आएंगी अब ये तो सीधी सीधी नंगी तलवार थी आयात सईदून अली सही बुखारी में आता है जब ये आयात लेके पहुँचे तो सईदूल मुबकर ने उनसे पहला सवाल किया कि आप अमीर बना के भेजे गए हैं या आप मामूर हैं तो उन्होंने कहा मैं अमीर नहीं हूँ अमीर आप ही हैं मुझे ये ड्यूटी नबील इस्लाम ने दी है कि ये मैंने रसुल्ला के बिहाफ पे मैदान मिना के अंदर जहाँ पे कुर्बानी की जाती है जहाँ पे वो शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं जमरात उसके करीब मैंने पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट करनी है अब वो अनाउंसमेंट बड़ी सख्त थी वो सही बुखारी में अल्फाज है कि अनाउंसमेंट ये है कि आज के बाद मुशरकिन अरब हज के लिए नहीं आ सकते ये आखिरी हज है जो मुशरकिन अरब ने कर लिया अब हज के लिए सर्टिफिकेट यह है कि जिस शख्स ने कलमा पड़ा होगा ला अला मोहम्मद रसूल उसी का वीजा लगेगा हरम का मुशरकिन अरब भी तो हज करते थे ना उनकी जो टूटी फूटी शरीयत चल रही थी लेकिन अब अनाउंसमेंट होगी कि जो मुस्लिम है सिर्फ वही हज कर सकता है और दूसरा कोई नंगा तवाफ नहीं करेगा ना मुसलमान ना काफिर काफिर तो नंगा तवाफ करते थे और वो प्ली ये लेते थे कि जी अल्लाह ताला ने भी जब इंसान को पैदा किया उस वक्त जिसम पे कपड़े नहीं है लिहाजा सबसे आला तवाफ ये है कि आप कपड़े उतार के तवाफ करो अब ये वो मतलब एक दिमाग में चीज शैतान ने घुसा दी भी थी और सीटियां मारते थे तालियां मारते थे जो हम पढ़ चुके हैं अनफाल में ये उनकी टोटली इबादत थी दो बातें तो आई बुहारी के अंदर और तीसरी जो आई वो सबसे सख्त बात थी वो कुरान के स्टार्ट में ही आ रही है सूरह तोबा के कि चार महीने का टाइम है या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर अरब की सरजमीन में तुम रह नहीं सकते रहने के लिए जजीरा नुमा अरब छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले जाओ और इसमें चार महीने दिए तसल्ली से सोच लो यानी अभी तक अगर कोई सीरियस नहीं ना हुआ रसुल्ला को नबी मानने के लिए तो एक लम्हे के लिए सोचे कि यार एक अकेला शख्स उसको अल्लाह तला ने इतना बड़ा गलबा दिया किश जो जंगजू मशहूर थे वो घुटने टेक गए अरब के बड़े बड़े कबाइल उनके सामने जेर हो गए गजबा हुनैन आखिरी गजबा था फतेह मक्का हुई उसके बाद सिर्फ दो कबीले रह गए थे हवाज़न और सकीफ़ का जो ताइफ में बनु सकीफ ये बड़े जंगजुक लोग थे ये तो अल्लाह ने इनकी किस्मत में लिखा था कादसिया में इन नहीं फिर पर्शियन अंपायर के हाथी भी गिराए उस वक्त रसुल्ला से लड़ने के लिए आए हुए थे और अल्लाह ने उनकी किस्मत में क्या लिखा था कि ये नबी के मुजाहिद बनेंगे क़लमा पढ़ के मुसलमान होंगे और फिर इस्लाम का झंडा ये जो है वो पूरी दुनिया में गाड़ेंगे तो मुशर्कन अरब के ये जो दो कबाइल थे हवाजन और सकीफ इनके साथ फिर एक फैसला कौन जंग हुई गजवा हुन ये फतेह मक्का के फौरन बाद उसी साल हुई बारह हजार का लश्कर था नबीलाम के साथ लेकिन बस एक तकबर वाला जुमला निकल गया उसका जिक्र भी आ जाएगा अल्लाह तला ने सूर्य तोबा में भी जिक्र किया है कि हुनैन के मौका पर जब तुमने इस तरह के जुमले बोल दिए कि आज तो हम गालिब आएंगे तो फिर तुम्हें जगह नहीं मिली पीठ फेर के भागे और फिर अल्लाह तला ने अपने नबी इस्लाम का मोर्जा जाहिर किया जो बुखारी मुस्लिम में आता है नबीस्म ने ज़मीन से एक कंकरों की मुट्ठी भरी और रिज पड़ते हुए अपने गधे के ऊपर सवार हुए और सिर्फ अस्सी बंदे हजूर के साथ रह गए थे क्योंकि वो इतने तीर अंदाज थे सामने लोग कि वो उनके तीरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था नबील इस्लाम यू आगे बढ़े रिज पढ़ते हुए अनन नबी यू लाकदिब अन अब्दुल मुतलिब मैं नबी हूँ इसमें कोई शक की बात नहीं कोई झूठ नहीं मैं अब्दुल अब्दुलमतलब का बेटा हूँ और फिर आपने वो मुठी जो भरी हुई थी ना यूँ काफरों की तरफ़ फेंकी और साथ बोला के चेहरे इनके झुलस जाएं और ये पीट फेर कर भाग जाएँ बस हज़ूर के साथ अल्लाह की गैबी मदद आई और उनका जो लश्कर है वह तितर बितर हो गया मुसलमानों को फ़ते नसीब हुई बहुत माले गीमत हाथ आया बहुत ज़्यादा के सौ ऊंट अबू सुफियान को हजूर ने उस मौके पर गिफ्ट कर दिए यानी वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन थे और वो फतेह मक्का पे तोलका थे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए उनकी दिलजोई के लिए हजूर ने सौ ऊंट एक बंदे को आप इमेजिन करें सफवान जिसने हजूर के कत्ल के लिए एक बंदा हायर करके भेजा था वो उमर सीरीज में उन्होंने ये सारी चीजें फिलवाई हैं और हजूर को अल्लाह ने पहले ही बता दिया नबीर इस्लाम ने कहा वो आ रहे हैं उसे अंदर आने दो हाँ अब हजूर की तो अल्लाह ने गारंटी ली हुई थी वो अल्लाह यासीम का मिन अल्लाह तेस्ट आपकी हिफाजत करेगा तो खैमे मैं हजूर ने फरमाया किस इरादे से आए हो मुझे अल्लाह ने बता दिया बस वो इसी एक बात के ऊपर ही उसने जनाब अपना खंजर बाहर फेंका और हजूर के ऊपर ही मान लिया और इतना फिर वो यानी पक्का ईमान वाला कि उसने जाके वहां जाके अनाउंसमेंट की के लोगों मुझे मामूर किया था सफवान ने अपने बाप का बदला लेने के लिए ठीक है तो देखो मैं वल्ला वो अल्लाह के पैगम्बर है उनके साथ गैबी ताइद है और तुम जो मर्जी कर लो शिकस्त तुम्हारा मुकदर है ठीक है मैं तो इस्लाम ले आया हूँ अच्छा अब वो सारे उसे मारने के लिए दौड़े लेकिन सफवान नहीं ना कहा कि मैं इसे पहले ही पुनाह दे चुका हूं क्योंकि मैंने इसे भेजने से पहले कहा था कि लाइफ टाइम तेरे बीवी बच्चों का खर्चा मेरे जिम्मे है अगर तुझे कुछ हो गया जहर अगर वो जूर पर हमला भी करता तो साहबा ने उसे जिंदा छोड़ना था चूंकि मैं जुबान दे चुका अच्छा अरबी जुबान जब दे देते थे ना बस यही अल्लाह तला ने मन में खूबी रखी हुई थी फिर गर्दन ही कटती थी तो सुफान ने उसे पनाह दे दी अब जब फतेह मक्का का मौका आया तो जिन जिन की जो जो रिश्तेदारियां थी उनकी आखिरी कोशिश थी कि आप इन्होंने तो या तो अरब की सरजमीन छोड़ देंगे या कतल होंगे तो सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों को ला के हजूर के सामने पेश कर रहे थे कि यारसुल्ला इसको भी माफ कर दें आप माफ करते जा रहे हैं सबको सोहेल इबन अमर को माफ कर दिया जिसने वो उदेविया का माहिदा अबू जंदल का जो वाल था उसे भी माफ कर दिया तो सफवान जो है उस वक्त मक्का छोड़ के निकल रहा था बल्कि वो तो जद्दे की बंदरगाह पे पहुंचा हुआ था समुंदर की यानी वो उस चीज को अवेल कर रहा था कि ठीक है मैं अरब की सरजमीन छोड़ के चला जाता हूं तो वो साबी पीछे पहुंच गए उन्होंने कहा कि अपने आप को हलाकत में मत डालो वो अल्लाह अल्लाह के पैगंबर हैं और अगर अल्लाह ने इनको गलबा दिया तो ये तुम्हारी जीत होगी कुरेश के लोगों तुम तो अपने आप को हलाकत में ना डालो सबसे पहले तुम इस्लाम के दुश्मन बने अब कम अज कम आखिर में तुम तो इस्लाम कबूल करो उसकी जीत तुम्हारी जीत है अच्छा वो कहने लगा नहीं तुम मुझे अपने साथी के हवाले करके कत्ल करवाओगे यानी नबी इस्लाम को साहिब हुम वो कहते थे तो आप वो देखें अरब के लोग कितनी उनको यानी इस चीज का एहसान का बदला कैसा उतारते थे उन्होंने जनाब अपने बोरे में से हजूर की पगड़ी निकाली इमामा और उन्होंने कहा सफान इस इमामे को पहचानते हो ये वो इमामा है जो इस्लाम ने फतेह मक्का के दिन पहना हुआ था और यह मुझे हजूर ने गारंटी दे के भेजा है यानी यह गारंटी थी कि इस्लाम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे तुम अपना आप मुझे मेरे साथ चलो आया कलमा पढ़ के मुसलमानों के साबी इकरमा इब अभी जहल वो भी भाग गया अबू जाल का बेटा वो सुन साहि में आता है रास्ते में समुंदर की मौजें आई और सब लोग वहां अल्लाह को पुकार रहे हैं। इकरमा ने कहा कि खुशकी पे तो तुम लात मनात उजा को पुकारते हो और यहां पर सिर्फ अकेले अल्लाह को पुकार रहे हो उन्होंने कहा यहां कोई बुद्ध काम नहीं आता अल्लाह ही काम आता है अल्लाह को तो मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ छोटे देवताओं को मानते थे तो इकरमा कोई बात इतनी क्लिक की उन्होंने कहा कि अल्लाह आज अगर तू मुझे बचा लेना तो मैं तुझसे वादा करता हूं तेरे नबी के हाथों में हाथ दे के इस्लाम कबूल कर लूंगा वही हुआ अल्लाह ने निजात दे दी ये अल्लाह की रहमत है कहा मक्की कुरान में तेरह साल की धमकियां और कैसी धमकियां अगर ईमान नहीं लाओगे तो तुम पे वही अजाब आएगा जो कौमे पे आया कौमे समूद पे आया कौम शुएब पे आया धमकियों से भरा हुआ कुरान और एंड क्या हो रहा है सारों की मुआफी हो रही है यह है अल्लाह की रहमत होना तो चाहिए था वो धमकियां एग्जीक्यूट होती लेकिन नहीं हुई इकरमा जनाब उसने कहा कि नबील इस्लाम भी तो यही कहते हैं खुशकी पे कि एक अल्लाह को पुकारो समुंदर की मौजों में तुम भी मवाहिद हो ठीक है और अंदाजा करें मुशर्की अरब यह नहीं कहते थे या बाबुल आक बेड़ा ताक मोइनों दिन चिश्ती पार लगा दे किश्ती मौजों में वो भी अकेले अल्लाह को पुकारते थे वापस आए पेश हुए इस्लाम कबूल कर लिया हालांकि इकरमा उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने फतेह मक्का के दिन भी लड़ाई की कोशिश की थी और तलवार निकाल ली थी लेकिन किस्मत अच्छी थी आगे थे हजरत खालिद वलीद उनकी दोस्ती थी इनके साथ तो खालिदीन ने कहा कि आज तू मेरी तलवार से नहीं बचेगा ये जेन में रखी उसे ही पता था कि खालिद की तलवार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो उन्होंने कहा या तो मेरे तू सामने ना या भाग जा यहां से आज तू नहीं बचेगा या इस्लाम कबूल कर ले खैर वो अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिखी हुई थी हिदायत मुसलमान हो गए और जंगे हरमूख में वो शहीद हुए हैं रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ते हुए आप देख लें यही बमुश्किल पांच साल का उन्होंने वक्त इस्लाम में गुजारा है पांच भी पूरे नहीं होंगे चार साल और कुछ महीने और बाप उम्मत का फिरन है अबू चहल और बेटा इकरमा सहाबी है इकरमा बिन अबी चहल रदी अल्लाह तम कहते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से करम नवाजी है किसी को हदायत दे दे तो ये सारे के सारे मामला अगर आप जेन में रखें फिर आपको अंदाजा होगा कि यहां पर चार महीने का टाइम दिया गया या तो इस्लाम कबूल कर लो अदरवाइज अरब की सरजमीन छोड़नी होगी ये अल्लाह ने अब सरजमीन अपने लिए कंटोनमेंट एरिया हरम का इलाका मखसूस कर लिया है यहां कोई मुशरक नहीं रह सकता ये नहीं है कि दुनिया में मुशरक ना रहे रहो लेकिन इस एरिए में नहीं मशरक रहेगा और चार महीने का टाइम है कत्ल किए जाओगे अगर यहां पर रहोगे कत्ल क्यों किए जाओगे क्योंकि अल्लाह की सुन्नत है कि जब कभी भी रसूलों का इनकार होता है तो एंड पे रसूल के मुखालफी पे अजाब आता है कौम आद कौम समूत कौम नूह तमाम ने अपने अपने पैगम्बरों को झुटलाया हजरत को हुद्लाम को नूसम को शुब्ल को तो उस झुटलाने के सबब अल्लाह की तरफ से अजाब आया तो हमारे पैगम्बर भी तो रसूल थे ना उनके इनकार के ऊपर अजाब नहीं आना था आना था लेकिन थोड़ा सा अल्लाह ताला ने इस दफा उसका तरीका बदला और वो तरीका ये बदला कि सूर्य अतोबा में ही आयत नंबर फोर्टीन में आ जाएगा कि मुसलमानों अल्लाह ताला तुम्हारी तलवारों से तुम्हारे हाथों से इन्हें अजाब देगा यानी यहां पर किताल जो है वह अल्लाह का अजाब बन के मुशरकन अरब पर नाजिल हुआ बदर की शक्ल में ओहद की शकल में खंदक फतेह मक्का हुन और इवन रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ भी चूँकि उन्हें भी ने खतूत लिखे थे हाँ इस्लाम ने सूलह उदेबिया के बाद ख़ात लिखने शुरू कर दिए थे आपको अब आप पता था कि आप ये दावत ऊपर ही ऊपर जानी है रोमस को लिखा पर्शियंस को लिखा और बाकायदा एल्ची रवाना किए जिसमें वो आपको पता है वो कैसरे रोम ने जो है वो कत्ल कर दिया था उनके एक हमायती कबीले वाले नेजूर के एलची को इसलिए नवी इस्लाम ने फिर वो मूता के लिए रवाना किया साहबा कराम को और फिर उसके बाद गजब तबूक पर आप खुद तशीफ ले गए इसी वजह से क्योंकि उस जमाने में एल ची का कतल एलाना जंग होता था डेढ़ लाख की फौज लेके आया हुआ था रोमन अम्पायर के बार्डर पर कैसरे रोम लेकिन सिर्फ तीस हज़ार साहबा वो भी उस तरह असलह से लेस नहीं थे लेकिन रोब खा गया भाग गया पूरी दुनिया पे धाग बैठ गई कि भाई ये कोई आम दावत नहीं है अब ये नहीं रुकने वाली और वरना तो वहीं पे परमूख हो जानी थी जो उमर के दौर में जाके फिर फाइनल का और यरमूक नबील इस्लाम ने खत लिखने शुरू कर दिए इसी तरीके से किसरा उसने तो वो खत फाड़ दिया था हजूर का और नबील इस्लाम पर मैं जान करीब इसे चीर दिया जाएगा और वो यही हुआ उसको अपने ही रिश्तेदार ने कत्ल कर दिया उसके बाद फिर उसकी बीवी वो किस तरह की औरत हाकिम बन गई और वो हज़रतमर के दौर में फिर वो भी शिकस्त कहा गया जिनका वो आर्मी चीफ था रुस्तम पहलवान जो कादसिया में फिर कत्ल हुआ सादिबनबी वक़ास रदी अल्लाह तु की सरकर्दगी में जो लश्कर गया था तो ये नबील अस्ताम की मुबारक दावत ऊपर से ऊपर जा रही थी ये चार महीने का टाइम दिया गया कि अजाब इसती आएगा मैंने पिछली कुरान क्लासेस में भी मसला 85 जो रिकॉर्ड करवाया था वो यही था कुरान और किताल अल्लाह के नबी नबीसलाम की दो खसूसियात अगले अंबिया के मोरजा दावे नबूत वाले टेंजेबल फॉर्म में फिजिकल फिनमिन ऑफ नेचर को कानून कुदरत को तोड़ने वाले होते थे मूसा मूसलाम के पास मोड़ा था आशा का अशदहा बन जाना ईसा इस्लाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे इस तरह का जो हमारे नबी का मोरजा है ना वो कुरान है अगरचे नबीसलाम के पास भी इस तरह के मोर्जात अल्लाह जाहिर फरमाए लेकिन दावा नबूत जिस मोड़े पर हुआ वो ये है जो सूरतबूत में मौजूद है कि यह कुरान अल्लाह के नबी का मुआवजा है और फिर क्या तक के लिए मुआवजा है बेशक इस जिक्र को नाजिल किया इसकी हफाजत हम करेंगे चूंकि नबूत क्या तक के लिए मोर्जा भी क्या तक तो एक तो ये नबीसलाम की खसूसियत कुरान और दूसरी खसूसियत किताल अगले अंबिया के केस में अजाब इलाही आसमान से नाजिल होता था पत्थरों की बारिश की शकल में चिंगाड़ की शक्ल में आंधियों की शकल में वबाई अमराज की शक्ल में इस्लाम के केस में यह अजाब साब कराम की तलवारों के जरिए काफरों के ऊपर मुसलत हुआ यह मरकजी टॉपिक है सूर्य तोबा का बाद लोग धोखा खा जाते हैं सूर्य तोबा पढ़ते हुए और वह कहते हैं कि जना इसमें तो लिखा है जहां भी काफिर नजर आए उनको कत्ल कर दो और छुप के बैठो धाग लगा के बैठो किसी को जिंदा ना छोड़ो ठीक है हालांकि ये दुनिया के तमाम काफरों का जिक्र नहीं है सिर्फ उन काफिरों का जिक्र है जिन्होंने मुआदा तोड़ा था और जाहिर उन्होंने भी तो मुसलमानों को कत्ल किया था तो उसके बदले में उन्होंने कतल होना था यह जनरलाइज नहीं आयात यह स्पेसिफिक आयात है अल्लाह की तरफ से अजाब इस्तीसाल कोड़ा पड़ा इसी में ही आगे चल के आएगा इस्लाम की दावत के अगेंस्ट हुकूमत इलाहिया का क्याम है जिसमें फिर जूस क्रिश्चियंस तक भी बात पहुंचाई गई चूंकि इस्लाम खतूत तो अपनी मुबारक जिंदगी में लिख चुके थे और फिर खुलफा राजदीन के दौर में उनके खिलाफ किताल हुआ कि या तो इस्लाम कबूल करो इस्लाम नहीं कबूल करना जिजिया दो सलाना चार सोने के सिक्के फी बंदा टैक्स मुसलमानों को दोगे और अगर यह भी नहीं करोगे तो फिर हमसे जंग के लिए तैयार हो जाओ पर्शियन तो तैयार नहीं हुए वो जंग के लिए आ गए पर्शियन अंपायर ही खत्म हो गई रोमन भी जंग के लिए आए उनके जब इलाके छिनने शुरू हुए यरमूग में उन्हें इब्रतनाक शिकस्त हुई उसके बाद उनको अंदाजा हो गया कि बाकी जो थोड़ी बहुत अंपायर बच गई है ना इसे बचाने का तरीका यही है कि इनके साथ जिजिया के ऊपर आमादा हो जाओ और हज़रतमर के दौर में उन्होंने जज़िया देना शुरू कर दिया इसी वजह से फिर वो किसी हद तक कायम रही अल्टीमेटली फिर वो सल्तनत स्मानिया ने आके उसे भी एलिमिनेट कर दिया जब कस्तुनतुनिया की फतह हुई सुल्तान मोहम्मद फ़ाह के ज़रिए तो जो आप अर्दगुल ड्रामा देख रहे हैं औरतगल की औलाद में से था सुल्तान मोहम्मद फातह तो ये एक पूरी की पूरी एक हिस्ट्री मैंने इसलिए बताई है ताकि आपको मामला क्लियर हो जाए सूर तौबा से पहले बिसमिल्ला तो नहीं है इसलिए इसकी जब भी तलावत होगी बिस्मिल्लाह से आगाज़ नहीं होगा लेकिन आऊद बिल्ला पढ़ेंगे क्योंकि सूरत नाहल में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब भी कुरान की तलावत स्टार्ट करनी है तो शैतान के अगेंस्ट अल्लाह की पनाह मांगनी है फस्त बिल्लाम रजीम जब कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह के हुजूर पनाह तलब किया करो शैतान मरदूद के अगेंस्ट क्यों इसलिए कि अगर शैतान से पनाह नहीं मांगोगे तो आयत तो पढ़ रहे होगे गए इया का नाबू व ईया का नस्त और रिजल्ट निकाल रहे होगे या शेख अब्दुल अल मदद या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती बरी बरी सरकार बरी खोटी किस्मत कर दे हरी या बावल हक बेड़ा ताक वैसे उन बेड़ा डोब देता अल्लाह के दे फजल नाल इस प्लेटफार्म ने अलहदुल्ला क्योंकि आप कुरान की तफसीर भी लिख के फौत हो जाएंगे कुरान में जो लिखा हुआ है वो आप नहीं मानेंगे अगर शैतान का गलब है आपके ऊपर इसलिए कुरान की तलावत से पहले आउज बिल्ला पढ़ना वाजिब है जेन में रखिएगा हां सूर तोबा आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट में आपने बिस्मिल्ला नहीं पढ़नी आउज बिल्ला से आगाज करना है तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं जी आऊद रजीम बरो तुम मिनल्ला व रसूल ही एलान बरात है कत ताल्लुकी का ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की जानब से उन लोगों की तरफ जिनसे तुमने मुआदा किया हुआ था मुशरकन अरब में से कि भाई अब तुमने ये मुहिदा खुद तोड़ा अब इसका अंजाम भुगतोगे ना अब कोई मुआदा रिन्यू होगा और ना कोई नया मुआदा होगा फसीख उफिल अर्द देखें इसमें भी उन्होंने मुयदा तोड़ा था फिर भी अल्लाह ने मोहलत दी फसीख उफिल तो अर्द अरब आता अश चार महीने के लिए तुम्हें इजाजत है कि इस सरजमीन में चल फिर सकते हो इसके अंदर अंदर अपना फैसला कर लो होना तो चाहिए था उसी टाइम उनके घाटे उतरते लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत का गलबा के चार महीने का टाइम है और खूब जान लो अन्नकुम नई रु मज्ला के बेशक तुम अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते अल्लाह ने जो फैसला किया है ना वो स्टैब्लिश हो जाना है वह काफ़िरीन और यकीनन अल्लाह तला जलीलो ख्वार करने वाला है काफिरों को वह अल्लाह और लोगों में ऐलान कर दो अल्लाह की तरफ से वह रसूल ही और उसके रसूल की जानब से लोगों में योमल हजल अकबर हज अकबर के दिन वो मैंने बताया बुखारी मुस्लिम में आए के ये यौम नहर यानी मैदान नोजल हिजा उससे अगला दिन जो कुर्बानी का मिना के मैदान में वह हज अकबर का दिन यौम नहर कुरबानी का दिन अन्ला बरी उन्नमशर और ऐलान यह है कि अल्लाह ताला तलाने बरात करता है मुशरिकीन से बस अभी तक तो जो छूट दी गई थी ना तुम्हें जो कुरान में भी जगह जगह मक्की सूरतों में आया न भी इनसे दरगुजर करो इन्हें ढील दो वक्त आएगा अब वो वक्त अब तुम्हारा ख़त्म हुआ जाता है बसूल और उसका रसूल भी अब बरी है अच्छा आप देखें अल्लाह के साथ रसूल का भी जिक्र हो रहा है बार बार क्यों अल्लाह के बारे में तो किसी का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि अल्लाह ज़रा बड़ा डाटा है लेकिन रजूर ज़रा शफक़त फ़रमाने वाले हैं और शफकत फरमाते भी थे मुनाफकिन के बहानों को सुन भी लेते थे लेकिन आप रसूल के ब्याह पर भी अल्लाह ने आयात नाजिल किए हैं कि ये ना हो कि अगर अल्लाह की तरफ से धमकी आई है तो नबी से जा कोई अर्जी पेश कर दो ये ऐलान अल्लाह रसूल दोनों की जानेब से है अब शरीयत इस्टैब्लिश होनी है रसूलुल्लाह की रहमत तुम्हें कोई हेल्प नहीं करे क्योंकि अल्लाह ने एलान बरात कर दिया फाइल इन दी तुम फाहुआ अगर अब भी तोबा कर लो तो चलो तुम्हारे लिए फिर भी बेहतरी होगी छोड़ दिया जाएगा वही तुम और अगर तुम मुंह फेरोगे फाइल तो खूब जान लो अन्नकुम नई के तुम अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते अल्लाह तला ने जो फैसला फरमा दिया ना उसमें कोई अल्लाह तला को जेर नहीं कर सकता वह बशर कफरू बदा बिन अलीम और खुशखबरी सुना दो काफिरों को दर्दनाक अजाब की यानी वो अजाब जिसका सुन सुन के बकौल उनके हमारे कान पक गए हैं तेरह साल मक्की दौर आठ साल मदनी दौर कि कब आएगा अजाब अब तो उनको यकीन हो गया होगा कुछ भी नहीं होना आ गया जब उनओ खुशखबरी दे दो बड़ी वो बड़ी यानी वो इंतजार कर रहे थे तो अब इसमें टॉन्ट भी मौजूद है उन्होंने तो चाहिए था कि उन्हें वहीद सुना दो लेकिन वहीद नहीं कहा गया खुशखबरी दे दो मिनल मुशर उन मुशरकन के जिनसे तुम्हारा मुआदा है जरा मुख्तलफ कबीले थे ना सुन ओसू कुम शई आ और उन्होंने उस मदे में कोई कमी बेशी नहीं की वलम युवा कुम आहदा और उन्होंने कभी किसी दूसरे कबीले की तुम्हारे खिलाफ उन कबीले वालों की मदद नहीं की फतिम आहद तो उनके साथ जितना मुआदा है ना उसे पूरा कर दो इला जो उसकी मुकर्र मुद्दत है बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों को पसंद फरमाता है देख लें मैदान जंग में भी जब इतनी पावर मुसलमानों के पास है अल्लाह ताला कह रहा है कि ये कोई रूल नहीं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है नहीं रूल्स के मुताबिक चलना है लेकिन फल खल अशहुरहुर जब ये चार महीने हरमत वाले गुजर जाए अब यहाँ हरमत वाले महीनों से मुराद वो हरमत वाले महीने नहीं है जो इस्लाम में राइज हैं यानी ये वो चार महीने हैं जो अल्लाह ताला ने मोहलत दी है कि इसमें कोई लड़ाई नहीं होगी एक तो वो हरमत वाले चार महीने ना जो कंजेक्टिव तीन है जिकादा जुलहिज़ा और मुहर्रम और चौथा रजब एक ये जो चार महीने का टाइम इन्हें मुद्दत दी गई थी अब इसमें चार महीने कौन से होंगे जुलहिज़ा के अंदर तो जहरा वो हाजो हो रहा था उसके बाद मुहर्रम सफर रब्यवल और रबियसानी यह चार महीने उस वक्त बन रहे होंगे चार महीने का टाइम है जब ये चार महीने गुजर जाए फ्तुल मुशर तुमो फिर तुमने मुशरकिन को कतल करना है जहाँ कहीं भी नजर आ जाए क्यों अल्लाह का अजाब है आप देखे कौम लूत पे जब अजाब आया तो हर बंदे के नाम का पत्थर गिरा हत्या के जो हजरत लूत अल्लाम की बीवी जो निकल गई थी वहां से उसने जब मुड़ के देखा हाय मेरी कौम उसके ऊपर भी आगे पत्थर पड़ा तो इस तरह जहां जहां यह नजर आएंगे तो अजाब इसती आएगा जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका इस दफा अजाब इस्तीसाल की शक्ल में नाजिल हुआ अब वो इस्लाम के मुखालफिन ने बस ना इतना हिस्सा उठाया हुआ है फखल मुशरकन हाई सो बज तुम हम कतल करो मुशरकिन को जहाँ कहीं भी तुम पाओ अभी बात तो मतलब यानी क्लिप काटे हुए हैं कुरान के भी उन्होंने छोटे छोटे क्लिप जिस तरह मेरे काटे हुए होते हैं ना काफरों ये काफरों वाले काम है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना फू हम इन्हें गिरफ्तार करो वह शुरू हम और अगर कहीं ये किसी मकान के अंदर ये किले में छुपे हैं उसका घेरा लो वक रदूला हम और ताक में बैठो कि जब कब ये घर से निकले कुल्ला मर सद हर जगह घात लगा के बैठो यानी कोई मौका नहीं जाने देना जो अब ये अल्लाह का हिसाब है ना चुड़ चुड़ के मारने अब ये अगर सिर्फ इतना हिसाब देखें तो वाकई लगता है कि इस्लाम का जो नाम है अमन और सलामती वो तो बिल्कुल इसके अपोजिट है लेकिन ये किन के बारे में है जिनके ऊपर अल्लाह तला ने पैगंबर को भेजा पीछे ऑलमोस्ट बाईस साल की दावत है जिसमें हर तरीके से प्यार मोहब्बत से समझाया और प्रैक्टिकली भी समझाया इस हवाले से कि अल्लाह ने गलबा दे दिया फाइन ताबू हां अगर ये तौबा कर लें अकामसलाह और नमाज कायम करें अब पाकिस्तान में तो तोबा कर लेना काफी है उसके बाद शिनाख्ती कार्ड में मुसलमानों वाला नाम रखवा लें अल्लाह तोबा किसको कह रहा है कि नमाज कायम करें हाँ ये भी इस बात का सबूत है कि नमाज के बगैर बंदा मुसलमान नहीं।, नहीं है बिल्कुल क्लियर कट ये बात है आप देखें सूर्य और रूम की आयत नंबर थर्टी वन है अकीमला तकुन मिनल मुशरकिन नमाज को कायम करना मुशरक ना हो जाना इससे ज्यादा आपको कैसे समझाया जाए फिर भी अगर किसी को कोई फर्क रह गया तो मुस्लिम की हदीस टू फोर सिक्स के बंदे के कुफर और ईमान शिरक और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज फिर भी ना समझ आए तो मुस्लिम की हदीस इबन मसूद कहते हैं कि नबीस्म के जमाने में बीमार बंदा भी दो बंदों के सहारे अगर मस्जिद आ सकता तो मस्जिद में आके नमाज पढ़ता था सिर्फ मुनाफिक ही नमाज से पीछे रहते थे यानी डर लगा रहता था कहीं मुझे मुनाफिक ना लोग समझ रहे तो जाम तिरमिजी की हदीस के हमारा और मुनाफिकीन का अहद नमाज की बुनियाद पर है यानी मुनाफिक को भी आप मुसलमान ही समझेंगे जब तक वो नमाज पढ़ रहा है क्योंकि मुसलमान है अगर नमाज छोड़ दी तो अहद खत्म और जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर किया ये इसमें अल्फाज है और तिरमजी में तो यहां तक है अब्दुल्ला इबन शकीक ताबी कहते हैं कि साहब कराम तारिक उसलाह की तकफीर करते थे और किसी बंदे को काफिर नहीं समझते थे सवाए उस शख्स के, के जो कलमा पढ़ के नमाज ना पढ़ रहा हो तो सरकार सहाबा कराम अगर दुनिया में आ जाए तो पाकिस्तानी कौम जिसको आप कहते हैं खिलाफत का निज़ाम यहां पर कायम करें इनके ऊपर कहड़े मुसलमानी खिलाफत पहले मुसलमान थे कर लो यहां खिलाफत यह कायम होगी कि जिनके अकीदे कुरान सनत के खिलाफ हैं, वो मुहिदीन का कत्ल आम शुरू कर देंगे क्योंकि वो तो कहते हैं ये खारजी हैं सारे जो तोहीद का नाम लेने वाले हैं खिलाफत वही तो पहली शामत होना नहीं आनी है जिन्होंने खिलाफत आके वी लॉग बनाए हुए थे जेन नहीं रखना क्योंकि यह तो खिलाफत वी लॉग्स वाले तो बना नहीं सकते क्योंकि इनकी तादाद ही कोई नहीं है और उनकी तादाद इतनी है कि वो फिर पेशाब भी करें तो ये सारे उसमें बह जाए उनको तलवार भी उठाने की जरूरत नहीं है तो इसलिए खुदा के लिए ग्रॉस रूट लेवल से दावत का काम शुरू करें जो हम कह रहे हैं कि पहले अकीदे की सलाह हो जिसने बुहारी में आया कि फिर हालत वलीद ने खुद बुत तोड़े जो उन बुतों की हमीत में नबीस्लाम से लड़ते थे उन्हीं के जरिए अल्लाह ने बुत तोड़वाए जब तक वो लोग जो मजारत को इस्टेब्लिश किए हुए हैं वो मज़ारात को गलत नहीं मानते ना उस वक्त तक आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तलवार के जोर पर बंदूक के ज़ोर पर मज़ारात खत्म नहीं कर सकते वो खुद ख़त्म करें जब उन्हें वो हदीस मुस्लिम की समझ आए कि मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों पर इमारत बनाने से कब्रों को पक्का करने से और उन पर बैठने से मुजावर बन के बैठना भी मना और वैसे बैठना भी मना तो अल्लाह तरफ मारा है कि जहां कहीं भी पाओ उन मुशरक को जिन्होंने के साथ ये अहद अब टूट चुका है उन्हें कत्ल करो उन्हें गिरफ्तार करो उन्हें घेर घेर के मारो और ताक लगा के बैठो हत्या के वो चार बंदों के बारे में तो यहां तक आ गया था कि वो खुलाफ काबा में भी छुपे तो उन्हें कत्ल करते ना जो सुनसाई में में बुधीस मौजूद है फाइन ताबू अगर वो तोबा कर लेलाह और नमाज कायम करें, वह आतब और जक़ात भी देना शुरू कर हैं अब ये भी इस बात में इशारा है कि हजरत अबू बकर ने जो मुनकरन जिकात के खिलाफ कताल किया था वो जस्टिफाई था कुरान में लिखा हुआ है जब तक ये जिकात नहीं देते ना जब तक आप मेरे भाई जेब ढीली नहीं करते अल्लाह ताला आपका खाली खुली ईमान मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अगर अल्लाह टॉप प्रायोरिटी है तो आप अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च करेंगे और वो माल है माल इसलिए पसंदीदा है कि जान लगा के आपने माल कमाया होता है जिंदगी का एक वक्त सिर्फ किया होता है माल कमाने के लिए जिंदगी देनी पड़ती है फिर आप माल कमाते हैं ना लिहाजा जब आप माल खर्च कर रहे होते हैं ना तो आप अपनी जिंदगी अल्लाह को दे रहे होते हैं ये बड़ी कीमती चीज है तो अल्लाह तला मारा है कि तौबा करें नमाज कायम कर लें जक़ात देना शुरू कर दें फल्लू सभी लहम फिर ऐसों का रास्ता फिर छोड़ दो फिर ये नहीं कहना कि मैं यानी इन्होंने चूंकि पहले ये किया था मसला हमारे साथ जिस तरह पाकिस्तान में भी झूठे मुकदमात बना के लोगों को कत्ल करवा दिया जाता है हालांकि पता होता है कि यार अब ये मसला नहीं है लेकिन वो पुराने गुस्से निकाल रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं उस जमाने चेहरे गीता सी इस्लाम में ये कोई चीज़ नहीं है कि उस जमाने में ना वंस जब बागी तलवार फेंक दें फिर वो उनके लिए मुआफी का ऐलान हो जाता है इसीलिए सईदाना अली ने उन लोगों को जो हजरत उस्मान के खिलाफ उस मुहिम में शामिल थे प्रोटेस्ट करने वाले हरकत तो चंद लोगों ने बीच में से की थी ना हजरत उस्मान को शहीद करने की लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो वो तीन सौ लोग तो थे जिन्होंने हजरत उस्मान का घर घेरा हुआ था लेकिन उनके लिए मुआफी का ऐलान हो गया क्योंकि जब हुकूमत यह ऐलान कर देती है कि हमारा आपस में मुआदा हो गया अब यह मामला खत्म तो पिछली सारी चीजें नहीं उखाड़ी जाती कि तुमने उस वक्त इतने मारे फौजी मारे थे और हम ये बदला लेंगे फिर बात आगे चलती है वरना दुनिया में कोई मुआदा चल नहीं सकता और कुरान भी यही कह रहा है कि फिर तुमने उनका रास्ता छोड़ देना यह नहीं कहना कि जी इसके भाई ने मेरे भाई को कतल किया था अगरचे तू मुसलमान हो गया लेकिन मैं किसी तरीके से तेरे ऊपर कोई फतवा लगा के एफ आई आर कटवाऊं और तुझे मैं जो नामालूम अफराद के हाथों मरवा दूं या कोई अंधी गोली आके तुझे लग जाए ठीक है गुस्सा मैं किसी और चीज का तेरे ऊपर निकाल रहा हूं इस्लाम में ये चीज नहीं है क्यों इस्लाम ये कहता है कि दुनिया में आप कानून को तो धोखा देंगे अल्लाह को कौन धोखा देगा अल्लाह तला तो पकड़ लेगा कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल जो एक्टिविटी तुमने कतल किया मावरा अदालत अल्लाह के जूर तो ये जुर्म लिखा जाएगा चाहे हुबुल वतनी के नाम के ऊपर किया चाहे इश्क फिरका के नाम के ऊपर किया मैं उसे इश्क फिरका कहता हूँ ये लोग तो कहते हैं ना इश्क रसूल और इश्क ओलिया इश्क साहबा और इश्क अलिबै नहीं नहीं इश्क फिरका इश्क फिरका होता है तो फिर उनका रास्ता छोड़ दो इन अल्लाह गफूर रहीम बेशक अल्लाह ताला भी तो बख्शने वाला मेहरबान है ठीक है और सूरत में तो यहाँ तक आया कि अगर कोई आके सलाम करे तो ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो देखो पहले तुम भी तो गुमराह थे अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी हाँ तो बस जहरी कलमे का एहतराम करो ठीक है वह तो बुखारी मुसलिम में आता है उसामाने ज़ाहिर से एक बंदा कत्ल हो गया था जब तलवार के नीचे आगे उसने कलमा पढ़ लिया बाद में उनको बड़ा कलक हुआ हज़ूर से जब बात की नबी सलाम ने फरमाया कि उसामा जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो फिर भी उसे कतल कर दिया खरसुल्ला डर के पढ़ा था आपने फरमाया तो उसका दिल चीर लिया था तू तो क्या करेगा उसामा तू तो क्या करेगा उसामा तू तो क्या करेगा जब क्या के दिन वो कलमा पढ़ता हुआ अल्लाह की बरगाह में तेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर देगा और हजूर इस जुमले को रिपीट करते रहे कि उसामा तू तो क्या करेगा उसामा तू तो क्या करेगा बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं उसामा इब्न जायद कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश हुई कि काश आज से पहले मैं मुसलमान ही ना होता आज ही कलमा पढ़ के मुसलमान होता कम अज़ कम मेरा ये गुना ही धुल जाता और एक और हदीस बुखारी मुस्लिम में एक सहबी कहते हैं यारसोल्ला फ़र्ज करें मैं मैदानी जंग में हूं काफिर से लड़ रहा हूं और वो मेरी तलवार के नीचे आ जाता है और वो डर के कलमा पढ़ देता है तो मैं क्या उसे कत्ल कर दू आपने फरमाया नहीं हालांकि डर के भी पढ़ रहा है कलमा कहते बिल फर्ज मैं कत्ल कर दू हाय आपने फरमाया अगर तूने उसे कत्ल किया तो कत्ल करने से पहले जिस जगह पे वो था ना कतल करने के बाद तू उसकी जगह पे आ जाएगा और वो तेरी जगह पे आ जाएगा अल्लाह के हुजूर कितनी सख्त वहीद है यानी वो मुस्लिम शुमार हो जाएगा और तू काफिर शुमार हो जाएगा यहाँ पे लसानियत की बुनियाद पे पॉलिटिकल एफिलियशंस की बुनियाद के ऊपर मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पे एक मुसलमान दूसरे को कतल कर देता है और इसकी पुषपनाई हमारे रियासी इदारे कर रहे होते हैं उम्मत वसीतर मुफाद के वसीतर मफाद के अंदर पाकिस्तान के वसीतर मुफाद के अंदर ये मैं पुराने बुजुर्गों की बात कर रहा हूं अब तो काफी नजमझ आ गई है तो कुरान पढ़ा हो तो इस किस्म की हरकत कोई करता है व इन मुशरक अगर मुशरकिन में से कोई पनाह तलब करे तुमसे देखें जी कितनी डील है एक तो था ना कि तोबा करके ईमान ले आए एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो क्या मैं मुसलमान नहीं होता लेकिन यार मुझे मारो ना मुझे पनाह दे दो तो अल्लाह तला मारा उसे भी पनाह दे दो यानी अगर उसने तो तलवार फेंक दी है ना मुसलमान नहीं हो रहा लेकिन वो कह रहा है ना मैं तलवार तुम्हारे खिलाफ उठाता हूं ना तुम मेरे खिलाफ उठाओ मुझे पनाह दे दो मुझे मजीद कोई मोहलत दे दो मैं ये इलाका छोड़ जाऊंगा या मैं अपने अकीदे को रिविजिट करता हूं फिर कई लोगों ने फिर रिविजिट किया पहले तो वो समझ रहे थे कि जिस तरह कबायली सिस्टम में एक सरदार गालिब हो जाता है ना तो ये भी कुरेश के अंदर कोई ऐसा सरदार आया है कि जिसने सारे कबाइल को एक जगह जमा करके पूरे अरब के ऊपर कब्जा कर लिया वो नबी इस्लाम को एक जंगजू की हैसियत से देख रहे थे अब वो जंगजू के उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो जो दिमाग उनका बंद हुआ हुआ था उसके खोलने के लिए जरूरी था कि एक दफा वो सीरियस हो कुरान तो सुनते वो फिर अल्लाह तरफ हमारा है। अगर वो पुना तलब करें तो उन्हें पना दो यहां तक कि वो अल्लाह का कलाम एक दफा सुन ले अब उनमें से कई लोग थे उन्हें मस्जिद नबी में ला के बांध गया हजूर की किरात सुनी दिल पसीज गया ये मान लिया है क्योंकि पहले तो ये था कि गाल नहीं सुननी आप यहां भी देख ले लोग कहते हैं जिन्होंने सुनना नहीं है क्योंकि जो ये कह रहे होते हैं उन्हें भी पता है सुन लिया तो पता चल जाएगा कि हमने तो धोखा दो दिया है ये तो बात ही कुछ और हो रही है तो अल्लाह तला मारे कि उन्हें पना दो यहां तक के अल्लाह का कलाम सुने और जहरा सुनेंगे तो वो ये नहीं है कि चाहे समझ के या बगैर समझ के समझ के ही सुन रहे होंगे माना और उसे फिर उनको तुम उनकी अमन गाह तक पहुँचा दो अल्लाह का कलाम सुने और फिर वो मोनत मांगते हैं तो ठीक है वो कहते हैं जी ठीक है हमें फिलहाल तो हम अरब की सरजमीन छोड़ रहे हैं तो अल्लाह तलाफ हमारे फिर उन्हें तुम तुम्हारी रिस्पॉसिबिलिटी है कि अपनी सिक्योरिटी में इन्हें वहां तक पहुँचाओ कि रास्ते में कोई और मुसलमान जो है ना वो इनके ऊपर हमला ना करे कोई कुरान का हुक्म तो आया हुआ था हाय हाय सोमां अब लि माना अमन गाह तक पहुँचा दो आलमोन ये इसलिए कि देखो ये कुरान को तो जानते ही नहीं अल्लाह को जानते नहीं रसूल को जानते नहीं जाहिर लोग हैं जो हम भी कहते हैं खुदा के लिए ये रा... आम पब्लिक पे कौन सा गुस्सा इन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि इन्हें मक्के मदीने के नाम के पे सवार सवार करके इन्होंने देबान बरेली में फेंक दी हैं ये तो बेचारे पूरे अखिलास के साथ लगे हुए थे इन फिरकों के साथ कि शायद ये हमें उस शख्स के साथ जोड़ेंगे जिसकी कब्र मदीने में है लेकिन क्या पता था कि मदीना शरीफ के अलावा दुनिया के हर शरीफ जगह को पहले खुद शरीफ डिक्लेयर किया और वहां पहुँचाते रहे अल्लाह तक नहीं पहुँचने दिया उसके रसूल तक इन्होंने नहीं पहुंचने दिया अल्लाहम्फह मन्ना अल्लाह तला दिलों में रासिक फरमाए अगर जज में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह तला दिलों से दौड़ डाले हमें माफ़ भी फ़रमा दें हमें सुन्नत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोफ़ी कता फ़रमाए सुबह नकल्लाबहमदीका अशद वल्ल इलाफरूक अतूबालाई वमा आलैनामबीन जजाकुमल खैर